वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। तो TCS में हम लोगों का जो कल का ट्रेड था, आज शायद आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी आया था आज इंस्टाग्राम पे कि सर TCS में अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे पहले, तो निफ्टी एक साइडवेज रेंज को फिर से फॉलो कर रहा है, मीन्स एक रेंज में आ गया। आज निफ्टी ना ही अपसाइड मूव दिया है ना ही डाउन साइड मूव दिया, पूरा एक रेंज में ट्रेड किया। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कल, अगर इसमें से कहीं भी ब्रेक करेगा, डाउनसाइड ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपसाइड के मुकाबले, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन था इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी ऊपर जा रहा था, फिर अभी उस ट्रेड लाइन के नीचे मीन्स उसके बाहर ट्रेड कर रहा है। तो अगर डाउनसाइड ब्रेक डाउन आता है ना, तो ये जो है ना गैप, इस गैप को फिल करने निफ्टी आ सकता है। मीन्स ये जो लेवल है, ये निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 16,840। यहाँ तक निफ्टी में एक फॉल देखने को मिलेगा, फिर सेकेंड फॉल यहाँ तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो सपोर्ट लेवल बनेगा मीन्स 16,684, और लास्ट यहाँ तक। अब जरूरी नहीं है कि ये एक दिन में तीनों कंप्लीट हो जाए। तो ओवरऑल क्या है कि थोड़ा स्ट्रक्चर जो बनता है वो थोड़ा ऊपर या नीचे, बट एक शार्प फॉल नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो एक बार में गिर जाए, ऐसा नहीं है। अगर गिरेगा तो थोड़ा बहुत गिरते गिरते 2 दिन 3 दिन 4 दिन टाइम लगाएगा। तो ओवरऑल निफ्टी को हम लोग इसलिए रीड किए ताकि हम लोगों का स्टॉक्स में इसमें इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। हम लोगों के स्टॉक्स में तब इफेक्ट आता है जब निफ्टी को एक बड़ा सा रेड कैंडल, जैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉल जो कैंडल में बना, ऐसा फॉल में निफ्टी के वजह से स्टॉक्स में असर आता है, स्टॉक्स भी नेगेटिव हो जाता है। बट ऐसा कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखेगा, मीन्स गिरेगा भी तो छोटा छोटा कैंडल बनते हुए धीरे धीरे गिरेगा, वापस अपसाइड मूव भी आएगा। तो ये कभी मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप लोग पी खरीद ले और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा फिर आपको वहाँ पे होल्ड, मतलब आप पोजिशन को रख दिए, ऐसा नहीं है। मार्केट वापस से ऊपर भी जा सकता है, तो ट्रेड उतना अच्छा नहीं मिलेगा निफ्टी में। ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं पी में, ये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, बट स्टॉक्स में इसमें असर नहीं आएगा। अब स्टॉक्स में अपने पास 3 स्टॉक है जिसमें हम लोग कल ट्रेड लेंगे। पहला नंबर पे है पीरामल इंटरप्राइज, एंड एक बुलिश रैली देने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज क्रिएट कर दिया, 2 दिन इसी रेंज में रहा। तो निफ्टी भी इसी तरीका का रेंज बनाया है आज, हमें भी कल भी ऐसा रेंज बना दे, तो जितना बड़ा रेंज बनेगा उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट वो इंडेक्स है तो इंडेक्स में इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता, वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक कर ही देगा। तो ये स्टॉक्स था, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, 2 दिन इसी रेंज में चला। कल भी मे भी अगर इसमें इसी रेंज में चला तो ट्रेड नहीं लेंगे, बट अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है यानी कि 2,608.2 के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे, और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 2,575 का। इनकेस मार्केट ऊपर जाके नीचे गिरता है तो यहाँ तक का लॉस देखेंगे, अगर इसके नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे, मीन्स आपको लॉस बुक कर लेना है। अपना जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 2,690। सेकेंड नंबर पे है TVS मोटर्स, और TVS मोटर को देखेंगे तो एक बुलिश रैली देने के बाद एक रेंज में मार्केट आ गया, बड़ा रेंज से छोटा हो गया। तो ऐसा रेंज में क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस लगाने का जगह बहुत अच्छा मिल जाता है। नीचे के साइड गया तो आपको अपसाइड में स्टॉप लॉस लगता है, और अपसाइड में गया तो नीचे के साइड ब्रेकअप, मतलब स्टॉप लॉस लगता है। बट हम लोग यहाँ पे अपसाइड ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले एक बुलिश रैली देखने को मिला, इतना बड़ा फॉल आने के बाद मार्केट एक बुलिश रैली दिया, उसके बाद मार्केट एक रेंज में बना दिया। तो ये बुलिश रैली के बाद फिर से हम लोग को एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाता है। तो मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर साइडवेज में आया, फिर मार्केट एक नया हाई बना सकता है। तो इसलिए हम लोग अपसाइड ट्रेड लेने का ज़्यादा कोशिश करेंगे ना कि डाउन साइड में। तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट 622.65 है, यानी कि इसके ऊपर कैंडल बने तो ट्रेड लीजिएगा, वरना स्किप करने का कोशिश कीजिएगा। और ये छोटा रेंज में आ गया तो कहीं ना कहीं ये कल ब्रेक कर देगा, तो इसलिए हम लोग इसको कल वॉच लिस्ट में रखे हैं। तो यानी कि अपना एंट्री पॉइंट रहेगा 622.65, स्टॉप लॉस रहेगा 616 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 628 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 644.75। यहाँ तक हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है, 2 दिन 3 दिन हालांकि इसमें टाइम लग सकता है। थर्ड नंबर पे है इंडिगो, एंड इंडिगो को देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर जा रहा था।
यहाँ से एक बार नीचे गिरा, दोबारा नीचे गिरा, तीसरा बार नीचे गिरा, चौथा बार नीचे गिरा, पांचवा बार नीचे गिरा। इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट देखिए 2 दिन के अंदर वो फॉल को रिकवर कर दिया। तो ये एक बुलिश मूव का इंडिकेशन है, वन डे में देखेंगे इसको। तो एक ही बार में जितना गिरा था वो कैंडल इसको कवर कर दिया। अब ये जो बुलिश कैंडल बना है ये एक इंडिकेशन है कि इस वीक नहीं है मार्केट, इंडिको ऊपर जाने का कोशिश में। अगर नहीं जाना होता तो इतना बड़ा फॉल आने के बाद और भी फॉल आता, बट यहाँ से रिवर्सल साइन देखने को मिला, इसलिए हम लोग इसको कल बाई साइड में रखे हैं। और इसका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 1929। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हम लोग कभी भी गलत साबित हो सकते हैं। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटीज के ऊपर सारा चीज़ है, हम लोग बस अपना प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम लोग अपना रिस्क को पहले देख लेंगे कि अपना रिस्क कहाँ तक का है, यानी कि 1929 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री पॉइंट रहेगा 1973 का, और टारगेट रहेगा 2091। तो ये 3 स्टॉक है कल के लिए, तीनों में ट्रेड नहीं लेना है। जब ब्रेकआउट आएगा जिसमें उसी में ट्रेड लेना है, ओवर ट्रेडिंग स्किप करना है, और क्वांटिटी अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से लेना है। ये नहीं कि आपके अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ तो आप एक बार में पूरा का पूरा पैसा लगा दें, ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा। 2 से 5% का ही कैपिटल का रिस्क लीजिएगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो तो आपका कैपिटल का 5% से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कैलकुलेशन करके आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ट्रेडिंग लाइफ भी अच्छा होगा, इमोशंस भी दूर होगा, और कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको पैसा खो गया, क्योंकि पॉकेट में पैसा रहेगा तो आप फिर पैसा बना सकते हैं, बट अगर पैसा खो दिए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।